हेलो स्टूडेंट्स, 10th स्टैंडर्ड योर मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 4 ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन. इन दैट आई टोल्ड यू पीपल दैट फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन आर वेरी मच सेम, बट सेकेंड एंड फोर्थ आर डिफरेंट देन देम. But second and fourth are also similar to each other. Today we will take question number 4 and question number 2. Okay, so let's start question number 2 here. Triangle PQR similar triangle LTR. In triangle PQR, PQ is equal to 4.2 cm, QR is equal to 5.4 cm, PR is equal to 4.8 cm means three informations are given of triangle PQR, but we have to draw both triangles, okay, such that PQ upon LT is equal to 3 upon 4. So students, here the most important thing is what? Both triangle names have one alphabet common. See, capital R is common over here. If one alphabet is common, then we can't draw them separate. If you are drawing separate, then this way it will look. But in the same figure, R is coming at two places, which is wrong. Mathematically, it is wrong. R is a single point. It should be on each other. They should not be at different places. So students, मैंने बताया आपको, इन दोनों ट्राइंगल्स के नेम में आर अल्फाबेट कॉमन है. तो आर अल्फाबेट जब हम फिगर में लेंगे तो अलग अलग जगह पर नहीं दिखना चाहिए. आर एक ही अल्फाबेट है तो पॉइंट एक ही दिखना चाहिए, एक ही जगह पर दिखना चाहिए. तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हम ज्वाइंट कर देंगे. तो ज्वाइंट कर देंगे मीन्स वॉट? कुछ इस तरह से दिखेगा. मीन्स ये दोनों आर एक के ऊपर एक आ जाएंगे. ये आपका एक फर्स्ट ट्राइंगल होगा एज ओ पी क्यू आर, और ये आपका सेकंड ट्राइंगल होगा एजुम एलटीआर. अब इस फिगर में देखिए अल्फाबेट आर सिर्फ एक ही बार दिख रहा है, करेक्ट? तो कुछ ऐसा होना चाहिए. ये ज्योमेट्रिकली रॉन्ग है, दो जगह पर आर नहीं हो सकता, एक ही जगह पर आर दिखना चाहिए. ट्राइंगल पीक्यूआर के सारे साइड्स दिए हुए हैं, तो पहले ट्राइंगल पीक्यूआर हम बनाते हैं. पहले हम रफ फिगर बना लेते हैं. जब अल्फाबेट कॉमन हो तो फिगर हमेशा आपको इस तरह से बनाना है. जो भी अल्फाबेट कॉमन होगा वो यहां आना चाहिए. दोनों में अल्फाबेट कॉमन कौन सा है? आर. आर विल कम हियर. नाउ द रिमेनिंग नेम्स. अब डिसाइड कीजिए कौन सा ट्राइंगल बड़ा होगा, पीक्यूआर या एलटीआर. तो आपको यहां से पता चलेगा. देखिए इन दोनों में 4 बड़ा है ना, और 4 किसके लिए है? एलटी के लिए. और एलटी किस में है? सेकंड ट्राइंगल में. तो सेकंड ट्राइंगल बड़ा है, सेकंड ट्राइंगल बड़ा है, तो उसे बड़ा नाम दीजिए एलटीआर. एल टी आर, एल टी आर. सी द ट्राइंगल नेम इज एलटीआर. सिमिलर वे स्मॉल ट्राइंगल का नेम पीक्यूआर हो जाएगा. तो पी क्यू आर नेम करस्पॉन्डिंगली जाना चाहिए. यहाँ पर हाथ हमने इस तरह से घुमाया है एलटीआर, एलटीआर. यहाँ पर भी हाथ उसी तरह से घुमाना है पीक्यूआर, पीक्यूआर. ओके, तो देख लीजिए एलटी वाला ट्राइंगल क्या है? बड़ा है. और पीक्यू वाला ट्राइंगल क्या है? छोटा है, करेक्ट? अब इसमें वैल्यूज भर ली. पीक्यू है 4.2, क्यूआर है 5.4, पीआर है 4.8. स्टूडेंट्स अब इसका फेयर फिगर बनाते हैं. सबसे पहले हमें आर क्यू ड्रॉ करना है 5.4, तो विद हेल्प ऑफ स्केल यू विल ड्रॉ आर क्यू. स्केल के हेल्प से आपको एग्जैक्ट साइज लेना है आर क्यू. हाउ मच? 5.4 सेंटीमीटर. इसके बाद देखिए पीआर होना चाहिए 4.8, तो राउंडर में 4.8 लीजिए. यहां पर राउंडर रखिए और राउंडर से यहां पे कट कर दीजिए.
पेंसिल यहां पर राउंडर से कट किया कितना 4.8 पर। सिमिलरली राउंडर ले लीजिए 4.2, राउंडर यहां पर रखिए और यहां पर आप कट कर दीजिए 4.2 पर, तो ये आपका डिसाइड हो जाएगा P। अब इसे ज्वाइंट कर दीजिए, सिमिलरली दिस साइड आल्सो, ये हो गया ट्रायंगल PQR रेडी। साइज आप लिख दीजिए इस पर 4.8 4.2। इसके बाद स्टूडेंट्स स्मॉलर ट्रायंगल तो हमने बना लिया, अब लार्जर ट्रायंगल बनाना है। तो लार्जर ट्रायंगल बनाने के लिए देखते हैं किस तरह से वर्क किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमें ये दोनों लाइंस स्ट्रेट सीधा आगे बढ़ाना होगा, तो ये बढ़ाया जाए लाइंस, ये सीधा हम बाहर बढ़ा देंगे, यहां पर भी बढ़ाइए आप सीधी लाइन बाहर, करेक्ट इस तरह से बढ़ाने के बाद। ओके स्टूडेंट्स अब हमने स्मॉलर ट्रायंगल बना लिया है, लार्जर ट्रायंगल के लिए हमें क्या करना होगा वो ध्यान दीजिए। लार्जर ट्रायंगल के लिए एक आप कोई भी लाइन, कैसी भी लाइन, कितने भी डिग्री की लाइन आपको ड्रॉ करना है, जस्ट यहां पे स्केल रखिए कैसे भी और एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, कहीं से भी जाए इट्स ओके। कितनी भी बड़ी बनाइए, कितना भी डिग्री रखिए चलेगा, नो प्रॉब्लम। अब स्टूडेंट्स आपको राउंडर में एक लिमिटेड डिस्टेंस लेना है और इसके टुकड़े करने, कितने करने होंगे यहां पर देखना होगा कि लार्जर नंबर कितना है। लार्जर नंबर कौन सा है, 4, ग्रेटर नंबर 4 है, तो 4 टुकड़े हमें करने हैं। तो इसके 4 टुकड़े करने के लिए राउंडर में एक साइज लीजिए, कितना भी साइज आप ले सकते हैं, राउंडर यहां पर रखिए और पेंसिल से यहां पर कट कीजिए 1, फिर राउंडर का साइज चेंज कर दीजिए, राउंडर यहां पर रखिए फिर से कट कीजिए 2, फिर से यहां पर रखिए कट कीजिए 3, फिर से यहां पर रखिए और कट कीजिए 4, ठीक है। ये हमने सेम साइज पर चार कटिंग किए हैं, ये आपका ओरिजिनल R है, यहाँ पर लिखिए R1, यहाँ पर R2, यहाँ पर R3 और यहाँ पर R4, करेक्ट। अब इसके बाद आगे, इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि स्मॉलर ट्रायंगल के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 3 है, लार्जर ट्रायंगल के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 4 है, मतलब स्मॉलर ट्रायंगल की हर एक साइड प्लेटफॉर्म नंबर 3 से जाएगी और लार्जर ट्रायंगल की हर एक साइड प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाएगी। तो देखते हैं, ये स्मॉलर ट्रायंगल है तो इसका कनेक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 3 से कीजिए, इसका कनेक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 3 से किया गया, ये लार्जर ट्रायंगल प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाने वाला है, इस तरह से जाएगा और ऐसे बैंड हो जाएगा, तो उसे किस तरह से लेकर जाना है वो डिसाइड करने के लिए परफेक्ट सेटिंग लेनी होगी। तो परफेक्ट सेटिंग ली जाए, चेक कीजिए स्टूडेंट्स हम यहां पर क्या है, राउंडर रखेंगे, कितना भी साइज रखेंगे चलेगा, नो प्रॉब्लम। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़े होकर आप यहां से राउंडर से साइज ले रहे हैं, ये आपने साइज लिया प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़े होकर, अब सेम प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़े होकर वही साइज यहां पर दीजिए, सेम वही साइज, ठीक है। अब इसके बाद आप इस चांद पर खड़े होकर चांद को राउंडर से मापिए, राउंडर का नोक यहां पर रखिए और पेंसिल यहां पर, इसके बाद में राउंडर घुमाना नहीं है, कम ज्यादा नहीं करना है, परफेक्ट यही साइज लेके यहां पर रखिए और देखिए ये साइज था, सेम इसी साइज पर हम यहां पे ऐसे कट करेंगे, ठीक है। अब यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये कटिंग और ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाता हुआ, करेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हम बना रहे हैं एक लाइन, करेक्ट। तो ये कटिंग और प्लेटफॉर्म नंबर 4 को हमने ज्वाइन कर दिया, ये लाइन बिल्कुल इसको पैरेलल आना चाहिए, ग्रीन लाइन और रेड लाइन बिल्कुल आपस में पैरेलल होने चाहिए, जिसका जितना पैरेलल होगा उतना करेक्ट फिगर है। सेम वे यहां पर भी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर राउंडर रखिए, पेंसिल से चांद बनाइए, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आपने चांद बनाया है
वही साइज प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर रखिए। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर रखकर फिर से वही साइज बनाइए। चार्ट आपने बना दिया फिर से। अब चांद पर खड़े होकर चांद को माप लीजिए और यहाँ पर चांद पर खड़े होकर चांद को काट लीजिए। आपको यहाँ पर खड़े होना है, ठीक है? ये पॉइंट पर चांद पर राउंडर रखिए और सेम जो साइज यहाँ था वही साइज कट कर दीजिए। अब यहाँ से भी आपको एक कटिंग मिल गया और एक पॉइंट है, वहां से लाइन ड्रॉ कीजिए। स्केल रखकर आप उन्हें मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है? ये फिर लाइन क्या होगी, इसे पैरेलल, ब्लू लाइन को पैरेलल लेंगे। जिसका जितना पैरेलल दिखेगा उतना उसका परफेक्ट फिगर है। अब देखिए ये लाइन आपने न्यू बीडी, वो लाइन कौन सी होगी, एलटी, एलटी, करेक्ट? तो दिस वे द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट। स्टूडेंट्स आप चेक कर सकते हो, सेम हमें ऐसा बनाना था, हमने ऐसे बनाया है। पी क्यू आर हमारा स्मॉल ट्रायंगल है, एल टी आर हमारा लार्जर ट्रायंगल है, और ये इस तरह से मेंटेन किया गया है कि छोटे ट्रायंगल की साइड्स अगर 3 यूनिट है तो बड़े ट्रायंगल की साइड्स 4 यूनिट होंगी, करेक्ट है? तो ये एक परफेक्ट सेटिंग है। इसके अंदर सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन है, ओनली कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन ही आपको सिर्फ इस तरह से बनाना है, ठीक है स्टूडेंट्स? इसके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में, 4 मार्क्स। स्टूडेंट्स दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4, इट्स एग्जैक्टली सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2 ओनली। सो अगेन यू कैन चेक, वन अल्फाबेट इज कॉमन, ए ए, ए इज प्रेजेंट इन बोथ ट्रायंगल्स, ए इज कॉमन। आई सेड यू पीपल इन दिस सिचुएशन ऑलवेज फिगर यू हैव टू ड्रॉ दिस वे, here always the common alphabet will come, common alphabet is what, A, alphabet A, remaining alphabets, so before writing remaining alphabets you have to decide which triangle is larger, so check here, 7 is large, so AM triangle is larger, AM is this one, means AMT is larger, AMT, this triangle is larger. Then the remaining one AHE, AHE, same pattern you should keep. Here you have taken pattern AMT, AMT, this was your pattern. Same pattern here you should come AHE, okay, AMT, AHE, same pattern you should take, okay. Now the given information, AM 6.3, AM is 6.3, TAM 50 degree, TAM 50 degree, AT 5.6 centimeter, AT 5.6 centimeter, correct? So rough figure we made. Now we are going to draw our fair figure. Fair figure taking. Students, first of all we have to draw AT. AT size will be what? Tell me. AT size is 5.6. Exactly 5.6 centimeter you have to take with help of scale. Now, on A it is requiring 50 degree. So, aap yahan par protector rakhoge. 50 डिग्री चाहिए आपको, तो यहां से काउंटिंग चालू करो, 10, 20, 30, 40, 50, 50 डिग्री पर आकर मार्किंग करना है। आप लोगों को पता है कि इसके अंदर सेंटर होता है, एग्जैक्टली इसका सेंटर और इसका सेंटर एक के ऊपर एक, और ये लाइन के ऊपर लाइन सेट करके आपको 50 डिग्री पर मार्क करना है। 50 डिग्री पर मार्क करने के बाद आप ये राउंडर हटा दीजिए, प्रोटेक्टर हटा दीजिए। 50 डिग्री पर आपने मार्क कर दिया है, उसके बाद में प्रोटेक्टर हटा दीजिए। प्रोटेक्टर हटाने के बाद ये 50 डिग्री का जो मार्किंग है इस पर स्केल रखकर आप लाइन ड्रॉ कीजिए। आपने स्केल रखा और ये आपने ड्रॉ कर दिया लाइन, ठीक है? तो दिस लाइन इज शोइंग यू 50 डिग्री। नाउ यहां से AM का डिस्टेंस होना चाहिए 6.3, तो आप राउंडर में 6.3 लीजिए, स्केल से देखकर 6.3 राउंडर में लिया आपने, राउंडर का नोक यहां पर रखिए और 6.3 पर कटिंग कीजिए।
6.3 एज्यूम करते हैं यहां पर आएगा, ये हो गया आपका अल्फाबेट एम। अब यहां से आप इसे ज्वाइंट कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका 6.3, यहां से आपने ज्वाइंट कर दिया, ये हो गया आपका बड़ा ट्रायंगल रेडी, द लार्जर ट्रायंगल बी मेड रेडी। नाउ इसके बाद आपको बताएगा स्मॉलर ट्रायंगल के लिए सेम, कैसा भी लाइन एक ड्रॉ कीजिए, कैसा भी एक लाइन कितने भी डिग्री से कितना भी बड़ा एक लाइन में ड्रॉ करना है, ठीक है। अब इसके टुकड़े करने हैं, कितने टुकड़े करने हैं चेक कीजिए, लार्जर नंबर कौन सा है 7, तो 7 टुकड़े, जो लार्जर नंबर रहेगा उतने टुकड़े करने हैं, तो 7 टुकड़े हम करेंगे। तो लेट्स डू 7 कटिंग्स। राउंडर में कितना बड़ा भी साइज ले लो, ऐसा अंदाजा लो कि 7 कटिंग कर सकना चाहिए, तो एक लिमिटेड साइज लेकर चालू करते हैं। राउंडर का नोक यहां पर, पेंसिल यहां पर, ये आपका 1, ये 2, यहां पर रखिए 3, यहां पर रखिए 4, यहां पर रखिए 5, यहां पर रखिए 6, यहां पर रखिए 7, ठीक है। अब ये A ओरिजिनल है, यहां से डुप्लीकेट A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड A7 आपने बनाया। स्टूडेंट्स आपको देखना है लार्जर ट्रायंगल प्लेटफॉर्म नंबर 7 से जाएगा और स्मॉलर ट्रायंगल प्लेटफॉर्म नंबर 5 से। तो ये जो आपने बनाया है ये लार्जर ट्रायंगल है, लार्जर ट्रायंगल है ना, चेक कीजिए 7 इज लार्जर नंबर, AM इज लार्जर साइड, AM जिसके पास है वो लार्जर है, तो AM लार्जर ट्रायंगल है, अब ये स्मॉलर ट्रायंगल बनाना है। लार्जर ट्रायंगल प्लेटफॉर्म नंबर 7 से पास होगा, तो लार्जर ट्रायंगल को प्लेटफॉर्म नंबर 7 से पास कर लीजिए। तो इस प्लेटफॉर्म नंबर 7 से ज्वाइंट किए, प्लेटफॉर्म नंबर 7 से आपने ज्वाइंट कर दिया, अब स्मॉलर ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना है। तो चलिए स्मॉलर ट्रायंगल के लिए ट्राई करते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर राउंडर लेकर खड़े हो जाइए, प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर, और यहां से आप एक कितना भी बड़ा साइज लेकर एक चांद बनाइए, ठीक है। प्लेटफॉर्म नंबर 7 से आपने चांद का साइज लिया, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़े होकर वो साइज वापस बनाइए, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 7 से आपने साइज लिया और प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़े होकर वो साइज दे दिया, ध्यान दीजिए प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर खड़े होकर साइज लिया और प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़े होकर साइज हमने दिया है, ठीक है। अब इसके बाद में चांद पर खड़े हो जाइए, चांद पर खड़े होना है मतलब यहां पर चांद पर खड़े होकर चांद माप लीजिए इतना बड़ा है। अब राउंड टर्न कम ज्यादा नहीं करना है, यहां पर रखिए और ये कटिंग कीजिए, कहां पर रखा आपने, यहां पर कटिंग पर नहीं रखना है, ये चांद पर रखना है, चांद पर रख के चांद को काट देंगे। तो चांद पर खड़े होकर हमने चांद का साइज दिया, फिर चांद पर खड़े होकर चांद को काट दिया, अब हमें क्या है इसे ज्वाइंट करना है। स्मॉलर के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 5 है, तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 से ज्वाइंट कीजिए, गलती नहीं होना चाहिए, प्लेटफॉर्म नंबर 5 से इसे ज्वाइंट कीजिए। तो ये कटिंग और 5 को ज्वाइंट करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो दिस इज द पैटर्न, ठीक है। चेक कीजिए ये दोनों लाइंस पैरेलल दिखने चाहिए, पैरेलल दिख रहे हैं, परफेक्ट। आगे सेम काम एक बार वापस से करना है, यहां पर आप खड़े हो जाइए, कितना भी साइज लीजिए, जरूरी नहीं है कि पहले का ही साइज लें, नया साइज आप कुछ भी ले सकते हैं। यहां पर आप एक चांद बना रहे हैं, आपने चांद पर खड़े सॉरी आपने प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर खड़े होकर चांद बनाया है, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आकर वही साइज का चांद वापस बनाइए, ठीक है। प्लेटफॉर्म नंबर 7 से आपने साइज लिया, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आपने वो साइज दे दिया, अब चांद पर खड़े होकर चांद को माप लीजिए और यहां पर चांद पर खड़े होकर चांद को काट लीजिए, ठीक है। तो चांद पर खड़े होकर हमने चांद को काट लिया, अब इस कटिंग और प्लेटफॉर्म नंबर 5 को ज्वाइन करेंगे, तो यहां से हम ज्वाइन कर लेते हैं इसे, ये देखिए ये आपका स्मॉलर ट्रायंगल तैयार हो गया, इसका नाम रखना है H एंड E, करेक्ट। सो
This is completed. Larger triangle AMT and small triangle AHE. और ये perfect आपका बन गया है. क्या बन गया है ये? अगर larger triangle का side 7 unit में है, तो small triangle का side 5 unit में automatic आपने बना दिया है. तो this is your original figure. Correct? ये वापस 4 mark के लिए exam में आएगा. इस टाइप के क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं. आप व्यवस्थित राउंडर और स्केल से ही बनाएं, ताकि आपको सारे कॉम्प्लिकेशंस क्लियर बनाने जमें. थैंक यू.